सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की टॉप शीर्ष प्राथमिकता का मतलब को फिर से परिभाषित किया। मोदी ने कर्नाटक बीजेपी की परिवर्तन यात्रा संपन्न होने के मौके पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टॉप शीर्ष का मतलब होता है टमाटो, टमाटर, ऑनियन, प्याज और पोटैटो आलू। मोदी ने कहा, सब्जी और फल उगाने वाले हमारे शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। जब मैं टॉप कहता हूं तो मेरा मतलब होता है कि आप देश के किसी भी भाग में जाएं, आपको तीन सब्जियां दिखाई देंगी, टमाटो, ऑनियन और पोटैटो, टमाटर, प्याज और आलू। उन्होंने स्पष्ट किया, मैं कहता हूं कि टॉप प्राथमिकता टमाटो के लिए, टी ऑनियन के लिए और ओ आर पोटैटो के लिए, यह मिलकर टॉप प्राथमिकता बनाए। उन्होंने कहा कि इन सब्जियों को ध्यान में रखते हुए इस साल बजट में ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिस तरह अमूल ने किसानों की आय बढ़ाई, ऑपरेशन ग्रीन सब्जियां उगाने वालों के लिए लाभप्रद साबित होगा। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया, अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने तो वो कर्नाटक में सिंचाई प्रणाली के सुधार में काम करेंगे और 1,00,000 करोड़ रुपये आवंटित करेंगे। SBN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।